हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज का मेरा जो है टॉपिक, आज हम लेकर आए हैं झारखंड ITI एडमिशन, जो कि अप्लाई स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग झारखंड ITI अप्लाई का डेट आपका 14 तारीख से है और लास्ट डेट आपका 29 तारीख तक है, 29 जुलाई तक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग ITI में एडमिशन लेने के बाद कोई भी ट्रेड है आप, तो आप मेरे चैनल पर आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा और लाइव क्लासेस होता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ITI में एडमिशन किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बारे में, अप्लाई किस तरह करें से उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैसे आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिए और आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर चल जाइए। और ऑनलाइन कैसे करते हैं और भी मोबाइल से, आपको वीडियो में बने रहिए तो आपको पूरा वीडियो देखिए आप लोग को पता चल जाएगा कि मोबाइल से कैसे हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको नाम डालना, जैसे मेरा नाम हो गया, जैसे हम यहाँ डाल लेते हैं अपना नाम, अपना नाम जैसे ही डाल लिए हम, अपना नाम हम डालने के बाद अब क्या करेंगे फिलहाल देखिए, अब जैसे हम नाम डाल लिए, मोबाइल नंबर डाल लिए, ईमेल आईडी डाल लिए, उसके बाद आपको फादर नेम डालना है। फादर नेम अपना डाल लीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपका जितना जो जुलाई है वो डाल लीजिए, आप अपना देख लीजिए उस तरह से आप डाल लीजिए। जैसे यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिख रहा है, कैलेंडर पे क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डाल लिए, यहाँ पर एक सेकंड, अब हमको जुलाई सेलेक्ट करना है, जुलाई आ गया, उसके बाद क्या है जुलाई में गए, हाँ हो गया, जैसे सेलेक्ट कर लिया आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा डाल लिए, उसके बाद सब कुछ जब डाल लिए तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी ओटीपी, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिए सेंड और ओटीपी, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल में एक ओटीपी गिरेगा, जैसे ही ओटीपी गिरेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ओटीपी आपको इसमें डाल देना। देखिए हम जैसे इस पर क्लिक किए तो देखिए मेरा क्या लिखा, मोबाइल ओटीपी और सेंडिंग सक्सेसफुल, आपका मोबाइल नंबर ओटीपी चला गया, ठीक है। तो देखते हैं कितने देर में मेरा मोबाइल पर ओटीपी आता है, देखिए ओटीपी आ गया मेरा मोबाइल पे। तो मेरा ओटीपी क्या है, 33 88 15। तो जैसे ही डाल लेंगे, ओटीपी डालने के बाद देखिए वेरीफाई दिया, वेरीफाई में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। तो जब वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया तो आप अगला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड ऐसा डालना है जैसे कि @ अपना नाम डाल लीजिएगा, उसमें 1 2 3 लगा सकते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड अपना डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला स्टेप। तो देखिए हम लोग पासवर्ड हम डाल लिए हैं, अब पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया रजिस्टर, क्या यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर स्टेप 1 आपको दिखा दिया। तो आपको दिखाने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपका आ गया एप्लीकेशन नंबर, आ गया एप्लीकेशन नंबर, आपको यही चलेगा हर जगह। अब देखिए निरंजन वर्मा आ गया, मेरा नाम है तो नाम आ गया। अब आप देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आइएगा तो देखिए क्या लिखा नंबर है, क्लिक है इसे, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए जैसे इस पर क्लिक किए तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिए अपना, एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद लॉगिन कीजिए, लॉगिन जो पासवर्ड आप लगाए हैं वो पासवर्ड लगा के यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए आप लोग का इस तरह से खुल के आ जाएगा, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देखिए आप लोग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सही से डालिएगा, ईमेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर सही डालिएगा ताकि ओटीपी में कोई दिक्कत ना, और पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, मदर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी, मोम एंट्री में यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद यस या नो है आप लोग क्लिक कर लीजिएगा जो है, उसके बाद
आपको डालना है, आप लोग देख सकते हैं आपको जो जो डालना है आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे नेशनलिटी आप इंडियन है कि कौन है, अपीयरिंग में आपको अपीयरिंग में 10th पास है या 12th पास है या 8th पास में आप ले कर रहे हैं उसे डालना है। और ईएक्स रिसीवर में आपको डालना है क्या एस या नो, आप लोग डालिए जो डाल सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपना जो है चॉइस करके। रजिस्ट्रेशन में जो डालना है आपको परमानेंट है झारखंड का या फिर लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड का है आपको डालना, मतलब जहाँ का आप हैं वैसे डाल लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेसिडेंट और आधार नंबर, आपका आधार नंबर का है, आधार नंबर डालना है। उसके बाद आप लोग आपका स्टेट चॉइस करना, एड्रेस चॉइस करना है, ब्लॉक पिन नंबर आपको डालना है और कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है, मतलब आपका एड्रेस कंप्लीट, मतलब इसमें जो डालिएगा इसी में क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा डिटेल आने के बाद स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, पिन कोड फिर वही डाल दीजिएगा। और जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा आगे स्टेप चल जाएगा। जैसे कि हम इसको भर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चलते हैं। तो देखिए आप लोग जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आप लोग का वहाँ पीडीएफ डालना है, एक मार्कशीट का वो भी 200 KB का भीतर होना चाहिए आप लोग का। और देखिए लास्ट में आप लोग का यहाँ क्या मांगा गया, तो देखिए आपका सिग्नेचर क्या सेलेक्ट और फोटोग्राफी, मतलब आपको फ़ोटो मांगा गया है और साथ में आपका एक मांगा गया है यहाँ पर सिग्नेचर। और जैसे ही आप लोग फोटो डालते हैं और सिग्नेचर डाल के सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए चलते हैं आगे, हम भी चलते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको ऑनलाइन करना है, नेक्स्ट करके आप लोग कीजिएगा, वहाँ से आपका ऑनलाइन आपका हो जाएगा सबमिट। सबमिट होने के बाद आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपका हो जाएगा पूरा फॉर्म सबमिट, आपका एक प्रिंट आएगा, प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। तो चलिए वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।